हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं टेकी राहुल और इस वीडियो में हमारे पास LG का V30 Plus थिन क्यू है। थिन क्यू इसलिए क्योंकि ये जो है नया प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ये जनवरी में हुआ है और इसमें बी एंड प्लो हेडफोन्स के साथ भी इसलिए आता है क्योंकि पहले इंटरनेशनल वेरियंट्स में सिर्फ अवेलेबल था, लेकिन अब जो इंडियन वेरियंट्स बन रहा है इसका, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है नया, उसमें भी बी एंड ओ के हेडफोन्स आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं MRP 60,000 लिखा है, लेकिन 25,000 रुपये में जो कि ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो 2019 में 25,000 रुपये में ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है पहले के यूनिट में और इसमें, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अनबॉक्स करके। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और ये इसमें जो है फ्लैगशिप का स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है जो कि फ्लैगशिप था 2 years ago, लेकिन 2017 के एंडिंग में जो है ये फ़ोन जो है LG ने निकाला है। और ऑन पेपर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्पेसिफिकेशन सब कुछ, तो स्पेसिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और पहले अनबॉक्स करके देखते हैं कि डिवाइस कैसा है। अनबॉक्स करने से ये जो एक अपने को क्लोट मिलता है और ये आ गया अपना फ़ोन, बहुत ही लाइट वेट लग रहा है। इसको अभी साइड में रख देते हैं, बैक से भी बढ़िया लग रहा है, शाइनिंग टाइप का। पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया हुआ है जहाँ तक हमको याद है, आगे और पीछे दोनों, क्योंकि उस टाइम में 4 या 5 आया नहीं था। और पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम फील हो रहा है एकदम। और इसमें सिम एजिक्टर टूल होना चाहिए जैसे वहाँ दिया हुआ था। यहाँ हम लोग का सिम एजिक्टर टूल और जो अपना पैम्पलेट से फालतू का इसमें पड़ा हुआ है, वारंटी कार्ड और सब इसी में। चार्जर को देख लेते हैं, फास्ट चार्जर है ऑब्वियसली, देख लेते हैं कितना वोल्ट्स पे करता है। तो आउटपुट है इसका 9 वोल्ट्स एट 1.8 एम्पियर और 5 वोल्ट्स एट 1.8 एम्पियर। तो ये 9 वोल्ट्स एट 1.8 एम्पियर सपोर्ट करता है, इसका मतलब अगर आप DC में लगाएंगे तो ये आराम से अच्छा होना चाहिए। हम लोग फुल रिव्यू में देखेंगे कि कितना टाइम लेता है ये चार्ज करने में। ये अपना मेन अट्रैक्शन जो कि बी एंड ओ प्ले का हेडफोन्स है, इसको देख लेते हैं। बॉक्स तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, वाइट कलर का, कुछ खास है नहीं। अंदर हेडफोन्स देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा है। तो बॉक्स के अंदर प्लास्टिक है और खोले प्लास्टिक को देखिए क्या है। अच्छा, तो हम लोग को एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ जो भी आपके कान में फिट आते हैं आपके साइज़ के हिसाब से, कान के उस हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और देखने में तो बहुत ही प्रीमियम टाइप का केबल लग रहा है, देख लेते हैं एक्चुअल में है कैसा। और लेंथ भी शायद काफ़ी सही है, तो फ़ोन उठाने के लिए भी इसमें है, प्लस एंड माइनस भी है, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए कॉल्स आप रिसीव कर सकते हैं। बी एंड ओ का ब्रांडिंग है, इन ईयर टाइप है हेडफोन्स और काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी हैवी भी है, तो मेरे ख्याल से साउंड क्वालिटी भी इसका बढ़िया होना चाहिए। और केबल का लेंथ भी नॉर्मल रेगुलर साइज ही है, देखते हैं जिससे सबसे लग रहा है नंबर ऑफ कॉल्स। तो ये अपना फ़ोन आ गया। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ जो हाईलाइट है इसका। और ये जो है अपना आता है स्नैपड्रैगन 835 के साथ, 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरियंट मेरा है, अभी इंडिया में यही मिल रहा है। 6 inches 2K डिस्प्ले है इसका, अपना QHD प्लस डिस्प्ले, तो 2K 3K 4K जो चाहे वो बोल सकते हैं, 4K तो होता नहीं है, 2K ही ज़्यादातर बोलते हैं। 16MP प्लस 13MP का बैक का कैमरा है अपना, 5MP फ्रंट कैमरा है, 3300mAh बैटरी है। और बैक से देख सकते हैं बहुत ही ग्लॉसी, और फिंगरप्रिंट मैग्नेट शायद होगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, डुअल कैमरा हो गया, सेंसर्स और LED फ्लैशलाइट, B&O का ब्रांडिंग और LG का ब्रांडिंग। और फ्रंट में बहुत ही लाइट वेट अपना डिवाइस है, और फ्रंट में टॉप में अपना 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रोफोन एक तो, और एंटीना बैंड्स, और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, और बॉटम में USB टाइप सी माइक्रोफोन, स्पीकर, ग्रिल, और राइट साइड में है अपना सिम ट्रे। और इसमें हाइब्रिड सोल्यूशन इन लोगों ने यूज़ किया है। तो 128GB अगर आप ले रहे हैं तो 128GB का ये भी इंडिया में आ रहा है, और अगर आप ले रहे हैं तो 128GB के आगे हमको नहीं लगता आपको लगना चाहिए, लेकिन सिंस ये 4K में कैमरा इसका रिकॉर्ड करता है तो हो सकता है 128GB भी कम पड़े अगर आप वीडियो प्रोडक्शन में हैं तो।
तो एल जी V30 Plus, थैंक यू। सिंस ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो थैंक यू इसलिए लिखा आ रहा है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओरियो के साथ आता है या नूकट के साथ आता है, क्योंकि जब ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था तब ये नूकट के साथ था। तो फ़ोन को सेटअप करके फिर वापस आता हूँ। कर लिया हम लोगों ने सेटअप। ये हम लोग का ऑलवेज ऑन स्क्रीन है जिसको हम ऑब्वियसली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैक में फिंगरप्रिंट भी मैंने सेटअप कर लिया है, इसको भी चेक करेंगे। और पीछे से लुक जो है बहुत ही बढ़िया देता है ये। मतलब ये इमेजिन करिए, 2 साल पहले ये लुक दे रहा था, और अभी जो नया वीवो का ये सबका फ़ोन आ रहा है, सैमसंग का जो नया ए सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है, वो लोग भी यही कर रहे हैं बैक के साथ कि शाइनी लुक देते हैं अलग अलग कलर्स का। और ये एक्चुअली में कर्व्ड है स्क्रीन अपना। अब S8 जितना कर्व नहीं है, लेकिन नॉर्मल रेगुलर जो कर्व डिवाइसेस होता है उससे ज़्यादा कर्व्ड है आगे भी और बैक में भी। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखिए, हम लोग फिर से आगे कुछ टेस्ट करेंगे। ऐसे तो देख के ठीक ही लग रहा है, कुछ बहुत फास्ट नहीं है। ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा UI देख लेते हैं एक्चुअल में कैसा है चला के। और सबसे पहले तो सेटिंग्स में चलते हैं अपने लोग। फिंगरप्रिंट ओके, फिर से टैप करने से क्लोज नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड है, कुछ खास उतना फास्ट नहीं है। अगर आप इसे रेडमी के फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे 10,000-11,000 वाली, तो ऑब्वियसली स्लो है, लेकिन ठीक है, उतना कुछ बुरा भी नहीं है। सेम टाइम लग रहा है, चाहे आप उसको बंद है तब स्टार्ट करें या लॉक स्क्रीन ऑन करके स्टार्ट करें, तो डिफरेंस कुछ है नहीं। जैसे चाहे वैसे अनलॉक करिए, सेम ही पड़ेगा। सेटिंग्स पर चल के एंड्रॉयड वर्जन देख लेते हैं। तो हम लोग को इसमें जनरल में जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा अपने को अबाउट फ़ोन में, फिर कॉमन में। बहुत ही अंदर में रहता है LG का, लेकिन UI हमको बढ़िया लगता है, हमको फालतू नहीं लगता। और जैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, एंड्रॉयड ओरियो में रन कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। सिंस ये एंड्रॉयड ओरियो में रन कर रहा है तो AI भी होना चाहिए कैमरा में, वो भी हम लोग कुछ देर में चेक कर लेंगे। और बैक चलते हैं हार्डवेयर इन्फो में जाने से कुछ खास नहीं शो कर रहा है, कितना GB रैम या स्टोरेज है कुछ शो नहीं कर रहा है। बैक चलते हैं, मेमोरी में जाके देखेंगे तो 1.9 GB फ्री दिखा रहा है, एवरेज मेमोरी न्यूज़ 2 GB दिखा रहा है, 3.9 GB टोटल मेमोरी है। तो अभी तक मैंने गूगल में साइन इन नहीं किया है, कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि 1.9 GB फ्री है, जो कि एक हिसाब से कमी है, क्योंकि LG का जो UI है बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। और टॉप में अगर आप देखेंगे तो अपना कैमरा लेंस है, फ्रंट कैमरा का स्पीकर ग्रिल है, और उसके बगल में सेंसर्स दिया है जो कि कैमरा में आ नहीं रहा है अभी। स्क्रीन OLED है अपना, जो कि कुछ फर्स्ट टाइम था LG ने किया, और LG ने अब फिर से IPS में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि OLED के साथ कुछ इश्यूज हो रहे थे शायद, इसलिए वो लोगों ने OLED अब नया फ़ोन्स में तेरा बंद कर दिया है। ये अपना सेटिंग्स में ऐसा आता है, आप सर्च भी कर सकते हैं। स्टोरेज में हम लोग देख लेते हैं, 128 GB का वेरियंट में 11.21 GB यूज्ड है, 117 GB जो है कि फ्री है। और अगेन आप देख लीजिएगा कि मैंने गूगल में साइन इन नहीं किया है, कोई भी ऐप्स अपडेट नहीं किया है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, तो 117 GB आपको फ्री मिलेगा। और ये कैमरा में घुसने का आप देख सकते हैं कि 4:3 और 18:9 का जो है पूछ रहा है हमसे। अगर आप 18:9 में जाएंगे तो आपका कैमरा का जो मेगापिक्सल से कम हो जाएगा, तो हम लोग इसको 4:3 में ही रखते हैं, जिससे हम लोग इसे पूरा 13 MP पे यूज़ कर सकें। तो अपना 16 MP जो है आप लोग का प्राइमरी है, और जो अपना जो वाइड एंगल लेंस है वो 13 MP है। तो हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो वाइड है कितना ज़्यादा वाइड है। तो हम लोग ने कीचेन कीस और विद चेन रख दिया है, तो ये हम लोग का हो गया रेगुलर। और आप देख सकते हैं AI कैम भी नीचे दिया हुआ है, और ये हम लोग का हो गया वाइड। तो आप देख सकते हैं कि इसका वाइड जो है अभी एक्चुअल में, अगर आप उसको सैमसंग के A सीरीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो वो लोग अल्ट्रा वाइड बोलते हैं, इसका नॉर्मल वाइड है, मतलब नॉर्मल वाइड इसमें दिया ही हुआ है, तो ये काइंड ऑफ अल्ट्रा वाइड भी आप बोल सकते हैं। ये अच्छी बात है कि AI कैम हम लोग को मिल रहा है, तो इतना पुराना फ़ोन लेने के बाद भी LG ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि
इसमें फीचर्स जो है अपडेट कर रहा है, HDR सपोर्ट करता है और स्टेडी रिकॉर्डिंग बोल के है। हम लोग कैमरा का कुछ और भी इसमें चेक करेंगे थोड़ा सा। स्टेडी रिकॉर्डिंग, HDR, ची शटर, कैमरा रोल, स्कैन, QR कोड, कवर्ड लेंस, जनरल में जाने से है। और फुल विजन में करेंगे तो आपका वही फुल स्क्रीन हो जाएगा, मेगापिक्सल्स कम हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है फुल HD में बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। टाइमर है 4:3 मेगापिक्सल पे चल रहा है। मोड से देख सकते हैं, ऑटो, मैनुअल, मैनुअल, सिनी, पॉप आउट, स्लो मो, पैनोरामा, पूरा भर दिया है। मतलब जितना आपको चाहिए सारा का सारा मोड्स दे दिया है। टाइम लैप्स, 360 पैनोरामा, गाइड शॉट, ग्रिड शॉट, ये सब कुछ थोड़ा नया है, और मैच शॉट, क्या क्या सब एकदम पूरा भर के रख दिया है इसलिए। और ये हम लोग का फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा है, और ये अपना बैक का था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सेटिंग्स पे जाके। सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं, तो वही आपका जो नाम है लिखा हुआ आएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि आप स्विच कर सकते हैं प्राइमरी कैमरा और वाइड एंगल कैमरा में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है रिकॉर्डिंग करने के टाइम में। हम लोग देख लेते हैं, वीडियो रेजोल्यूशन जो है अल्ट्रा HD तक जो है जाता है, अपना 2K तक जो है रिकॉर्डिंग ये करता है, और फुल HD प्लस में कर सकते हैं जो कि 1080 है। तो एक्चुअल में ये 3840 जिसको बहुत लोग 4K भी बोलते हैं, बहुत लोग उसको 3K 2K जो चाहे वो बोलिए, मतलब 4K रिकॉर्डिंग जो है ये सपोर्ट करता है। और ये भी जानने वाली बात है कि इसमें OIS है। अगर आप 1080p में करेंगे यूज़ और 60fps भी है, तो 1080p में यूज़ करेंगे तो आपका OIS और EIS जो है दोनों साथ में काम करेगा। और अगर उसके ऊपर अगर आप जाएंगे 1080p के, जैसे 2K जाएंगे, 3K 4K जाएंगे, तो उसमें आपका सिर्फ OIS काम करेगा। फोटो साइज 5 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 3.7, 3.3, 3.7, और वीडियो जो है फुल HD में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। सेल्फी शॉट, गेस्चर शॉट, ऑटो शॉट, इसमें इतना सारा फीचर्स है कि मतलब बात करते करते डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब हम बोलते बोलते थक जा रहा है, उसमें तो सारा फीचर्स दिया हुआ है। और मुझे बस इसका ये जो लॉन्चर है वो पसंद नहीं है, तो इसमें मैं नोवा लॉन्चर यूज़ करने वाला हूँ। तो बाकी नेटवर्क में जाते हैं, NFC है, और जितना भी मतलब उसमें सेंसर्स भी सारे ही दिए होंगे, लेकिन उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बनाऊंगा, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि 2019 में आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो एक VR भी सपोर्ट करता है ये भी जो अपडेट के बाद दिया है। पहले वाले जो नूकट के साथ था उसमें VR कुछ भी नहीं था। तो अच्छा बात है कि LG जो है इसको अपडेट कर रहा है, और 2019 में लेना चाहिए या नहीं मैं रिव्यू ज़रूर निकालूंगा, लेकिन आपने बॉक्स कंटेंट और सब कुछ तो देख ही लिया है, और देख लिया है कि एक्चुअल में फ़ोन जो है अपडेटेड भी है सॉफ्टवेयर में। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, और मेरा नाम है टेकी राहुल।